अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर इन्जॉइंग वेरी गुड हेल्थ और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा होता है तो एंजाइम किस तरह से उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं और एंजाइम किस तरह से उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एंजाइम के काम करने का स्टाइल क्या है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और इसमें अगर हम बात करें तो एंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। दे आर ग्लोब शेप प्रोटीन्स एंड दे आर थ्री डायमेंशनल एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक टाइप्स एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। यू नो एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और डेफिनेटली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन किस चीज़ की बनी होती है? अमीनो एसिड्स की। तो जब इनमें एक ख़ास तरतीब में अमीनो एसिड्स हैं, ख़ास तादाद में अमीनो एसिड्स हैं, तो इनका एक ख़ास स्ट्रक्चर होगा। तो एंजाइम के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही इसके साथ बाइंड होता है। तो आप ये कह सकते हैं ड्यू टू द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर देर इज़ अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट विच बाइंड टू द एंजाइम। And when this specific substrate will bind to the enzyme, it will form enzyme-substrate complex. And after the formation of this enzyme-substrate complex, लेकिन एक बात याद रखिए कि हमेशा एक specific substrate ही bind होगा because there is a specific structure of the enzyme. अब यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जो मौजूद सबस्ट्रेट है वो बदलेगी प्रोडक्ट में, एंजाइम यहाँ से अलहदा हो जाएगा और वो जो अलहदा हुआ हुआ एंजाइम है इट कैन बी रीयूज्ड, इट कैन बी अगेन यूज्ड टू कैटलाइज द अगेन नेक्स्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। इस तरह से एंजाइम बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इट दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और हर बार अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करवाएंगे। अब उस स्पेसिफिक शेप की तो हम बात कर चुके हैं कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप होती है, उस शेप में एक मखसूस हिस्सा होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट लगती है, उस खास हिस्से को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट इज अ साइट वेयर सबस्ट्रेट रिएक्ट। सबस्ट्रेट जहाँ पे आके अटैच होता है उस जगह को एक्टिव साइट कहते हैं। सबस्ट्रेट रिएक्ट विद एंजाइम अपॉन अ स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग साइट। तो एक्टिव साइट क्या है? इट्स अ चार्ज बियरिंग साइट, मीन इस साइट के ऊपर क्या है, चार्जेस मौजूद हैं और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनके साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो खास जगह एक्टिव साइट है इट इज़ कंपोज्ड बाय द कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द यूनिक पैटर्न। अमीनो एसिड एक खास पैटर्न के साथ, एक खास अरेंजमेंट के साथ कॉइल और फोल्ड हुए होते हैं और एक स्पेसिफिक पार्ट, एक स्पेसिफिक लोकेशन बनाई होती है जहाँ से एंजाइम फंक्शनल होता है। और तो वही स्पेसिफिक लोकेशन जो है उसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। इस एक्टिव साइट के दो रीजन्स होते हैं, एक रीजन को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं और एक को हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। जब तक अभी सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ होता तब तक हम इसको बोलते हैं इट्स अ बाइंडिंग साइट। और बाइंडिंग साइट ने क्या करना होता है, उसने रिकॉग्नाइज करना है अपने सबस्ट्रेट को, उसको बाइंड करना है और दैट्स इट। बाइंडिंग साइट का फंक्शन जस्ट इतना है कि आपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करें और उसको बाइंड करवाए। आफ्टर द रिकॉग्निशन एंड आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फिर क्या होगा, वही एक्टिव साइट जिसको हम बाइंडिंग साइट कह रहे थे बिफोर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, अब हम उसको कहना शुरू हो जाएंगे इट्स अ कैटालिटिक साइट। व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड कैटालिटिक साइट एक्टिवेट्स, एंड कैटालिटिक साइट जब एक्टिवेट हो जाती है इट बिगन टू ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो ये एक रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ मैकेनिज्म में हमने देखा कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे चार्जेस मौजूद हैं और चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से वहाँ सबस्ट्रेट लग जाती है। अब यहाँ पर आप रिएक्शन को देख सकते हैं, हमारे पास एंजाइम है और एंजाइम की ये वो लोकेशन है जो जिसको हम चार्ज बियरिंग साइट बोल रहे हैं। इस एक्टिव साइट के ऊपर एक साइड पे लगेगा कोफैक्टर, एक जगह पे लगेगा सबस्ट्रेट। कोफैक्टर जो है ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ये वो स्पेसिफिक पोर्शन होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसने
इंजाइम के साथ लगना है तो इंजाइम ने फंक्शनल होना है। तो ये दोनों चीज़ें अटैच हुई, इट्स इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर क्या हुआ, ये इंजाइम अलहदा हो गया, जो सबस्ट्रेट थी वो प्रोडक्ट्स में बदल गई और कोफैक्टर दोबारा से सेपरेट आउट हो गया। हुआ क्या है, हुआ यही है कि एक्टिव साइट जब तक इसके साथ सबस्ट्रेट नहीं लगा हुआ था तब तक ये थी बाइंडिंग साइट, और जैसे ही सबस्ट्रेट लगा, और लगा क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस अपॉन दैट एक्टिव साइट, और जब सबस्ट्रेट लगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये एक्टिव साइट जो कि पहले बाइंडिंग साइट थी, अब ये बन गई है कैटालिटिक साइट, और इस कैटालिटिक साइट की एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, अगला स्टेप परफॉर्म होगा, और अगले स्टेप में जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन है विच इज़ अ चार्ज बीरिंग साइट, और ड्यू टू द ऑपोजिट चार्ज ऑन द सबस्ट्रेट बाइंडिंग होती है, और देन बाइंडिंग साइट उसको बाइंड करती है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैटालिटिक साइट एंड द होल रिएक्शन कैटालाइजेस बाय द एंजाइम। ये था हमारा आज का टॉपिक, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इंशाल्लाह, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।